वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के बारे में जो कि एक्चुअल में जो प्रॉपर मेथड है कि आप एक सोलर सिस्टम को कैसे इंस्टॉलेशन करें उस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं फ़िलहाल आप देख सकते हो यहाँ पर एक 7.5 पॉइंट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल है जिसके बारे में आप लोगों को फुल बोलने वाले हैं कि एक्चुअल में इसकी जो कॉस्टिंग है वो कितना पड़ेगा आपको या फिर यहाँ पर हमने क्या क्या यूज़ किया है वो भी आप लोगों को बोलने वाले हैं दोस्तों तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना दोस्तों क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आप लोगों को फुल चीज़ के बारे में हम बोलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमने यूज़ की है जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हमने जो पैनल यूज़ की है वो है सर्वोटेक कंपनी का है जो कि मोनो किस्टलाइट सोलर पैनल है जो कि काफ़ी अच्छा पैनल होती है दोस्तों और ये जो पैनल है ये कट पर अवेलेबल है और इसकी अगर एफिशंसी के बारे में बात की जाए तो इसकी जो एफिशेंसी है लगभग ट्वेंटी के आसपास होती है दोस्तों और पैनल की अगर काइज ये जो सोलर सेल है जो कि प्योर मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल है काफ़ी अच्छा क्वालिटी है इसके अंदर बस बार है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन बस बार मिला के एक सेल होता है दोस्तों इस पैनल के अंदर जो कि ऐसे करके स्पैनल के अंदर फुल जो सेल है दोस्तों एक सेल है और दोस्तों ख़ास और एक बात जो कि ये जो पैनल है जो कि हाफ कट सोलर पैनल है जो कि पाँच सौ पैंतालीस वॉट का सोलर पैनल है आप देख सकते हो यहाँ पर मिडिल पर एक कट दिया गया है जिसको हाफ कट बोला जाता है दोस्तों ये जो पैनल है दोस्तों इसकी मेन खासियत यही है कि अगर मान लीजिए पैनल की आधा हिस्सा पर आपकी अगर सैडो पड़ता है तो क्या होता है बाकी का हिस्सा आपका अच्छे से परफॉर्म करती है दोस्तों मान सकते हैं आप कि ये जो पैनल है यहाँ पर दो पैनल मौजूद है जो कि 72 सेल करके इसको पैरेलली कंपनी ने अटैच कर दिया तो कभी कभार अगर मान लीजिए कि आपकी पैनल की नीचे की तरफ अगर पड़ पर रहे या फिर ऊपर की तरफ अगर आपकी साइडों पर रहे तो क्या होगा बाकी का हिस्सा जो है प्रॉपर कम करेगा जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर मोबाइल रखा है तो क्या होगा एक्सेल अभी यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है तो ब्लॉक हो चुका है मतलब क्या नीचे का हिस्सा जो है हमारा अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा दोस्तों तो उस हिसाब से क्या होगा मेरा बाकी का जो हिस्सा है अच्छे से परफॉर्म करेगा क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने दो पैनल को पैरलली मार्ज कर दिया दोस्तों हाँ दोस्तों और जितने भी सारे जितने भी स्टैंडर्ड पैनल होती है दोस्तों जो हाप कट नहीं होता है उनके अंदर क्या होता है अगर मान लीजिए पैनल के किसी भी हिस्से पर अगर शेडो पड़ता है तो क्या होता है पूरा पैनल जो है वर्क नहीं करता दो, दोस्तों दोस्तों अच्छे से तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग हाफ कट पैनल को परचेस करते हैं दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों आप इसकी ब्रांड नेम देख सकते हो जो कि सर्बोटेक मेंशन है और इसकी जो मैक्सिमम पावर है जो कि पाँच वाट का सोलर पैनल है दोस्तों और इसकी जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो है थर्टीन पॉइंट एट्टी फाइव एम पेयर दोस्तों इसकी जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वह फोर्टी नाइन वोल्ट और इसकी मैक्सिमम वोल्टेज जो है फोर्टी वन वोल्ट और इसकी मैक्सिमम करंट जो है थर्टीन एम पेयर दोस्तों दोस्तों और एक बात ये जो सोलर पैनल है ये ट्वेंटी फोर वोल्ट का पैनल है मतलब कि आपके घर पर जितने भी एम वाला सोलर चार्जिंग कंट्रोलर हो या फिर एम वाला कोई भी इन्वर्टर हो उसके अंदर आप इजीली इसको चला सकते हो दोस्तों और जब भी घर पर सोलर पैनल को परचेज करना है दोस्तों तो उस टाइम ख्याल रखना है कि पैनल हमेशा मोनो पैनल ही परचेज करना है क्योंकि दोस्तों मोनो पैनल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है पॉली के मुताबिक क्योंकि पॉली पैनल की एफिशियसी होती है सत्रह और मोनो पैनल की एफिशिएंसी होती है स्टैंडर्ड पैनल की ट्वेंटी और हाफ कट की होती है ट्वेंटी थ्री एक्चुअल में ये जो पैनल है कैसा परफॉर्म कर रही है जो भी अभी देख सकते हो जो वेदर है उतना भी काफ़ी अच्छा वेदर नहीं है लेकिन फिर भी हम चेक करने वाले इस पैनल को कि ये जो पैनल है इसकी जो आउटपुट है वो हमें कितना मिल रहा है फिर एम्पेयर जो है वो हमें कितना मिल रहा है वो अभी चेक करने वाले हैं हम तो इसके लिए हमें जो चाहिए वो है मल्टीमीटर चाहिए है दोस्तों वोल्टेज को चेक करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आगे सो दोस्तों हमने जो मीटर है मीटर को डी सी वोल्ट पर सेलेक्ट कर लिया आप देख सकते हो अभी इसको रखते हैं साइड में और मीटर की जो प्रॉफ है उसे लगाते हैं यहाँ पर दोस्तों पैनल की जो वोल्टेज आप देख सकते हो फोर्टी थ्री पॉइंट थर्टी टू वोल्ट है देख सकते हो ये जो वोल्टेज है दोस्तों प्योर डीसी वोल्ट होता है और ये जो पैनल है चौबीस वोल्ट का सोलर पैनल होती है दोस्तों अब बारी है इसकी जो एमपेयर है उसे चेक करने के लिए तो दोस्तों क्या करना है एमपेयर टेस्ट करने के लिए हमें शॉर्ट सर्किट एम्पेयर अभी फिलहाल चेक करना है तो इसकी जो आउटपुट कनेक्टर है इसको हम शॉर्ट कर देंगे आप देख सकते हो यहाँ पर हमने शॉर्ट कर दिया इसको और ये हमारा क्लाम जिसको हमने डीसी पर सेलेक्ट करना है इसे भी आप देख सकते हो यहाँ पर डीसी पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो अभी क्या करना है इसकी जॉ है इसको खोल के यहाँ पर लगाना है दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों अभी जो हमें एमपेयर मिल रहा है वो है सिक्स पॉइंट सेवेंटीन एमपेयर जो कि अभी आप लोगों को वेदर भी एक बार दिखा देते हैं वेदर देख सकते हो आप जो कि धूप नहीं है ज़्यादा दोस्तों क्लाउडली वेदर है दोस्तों लेकिन आपको फिर भी देख सकते हो जो हमारा जो एमपेयर है सिक्स पॉइंट वन टू एमपेयर हमें मिल रहा है दोस्तों क्लाउडली वेदर पर भी तो आप आ, इमेजिन कर सकते हो जब धूप होगा अच्छा तो उस टाइम और भी हमें एमपेयर मिलेगा जो कि हमें हमें मिल रहा है सिक्स एमपेयर के आसपास हमें मिल रहा है दोस्तों चलिए दोस्तों अभी पूरा सिस्टम के बारे में आप लोगों को बोल देते हैं एक बार गाइस तो आपने देखा कि पैनल जो है पैनल की जो क्लाउ क्लाउडली जो वेदर है उस पर भी हमने आपको टेस्ट करके बोल दिया कि पैनल की जो परफॉर्मेंस है वो फिलहाल कैसा है जैसे कि वोल्टेज जो था हमारा फोर्टी थ्री था दोस्तों और जो आउटपुट करेंट था हमारा जो एमपियर था वो था सिक्स एमपियर तो लगभग दो सौ अट्ठानवे वाट तक हमें मिल रहा है मतलब कि ढाई सौ वाट आप मान सकते हो कि ढाई सौ वाट तक हमें अभी मिल रहा है जो कि क्लाउडली वेदर पर तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब सिस्टम के बारे में जो कि हमने यहाँ अच्छा पर फुल सिस्टम जो है वो है सेवन पॉइंट फाइव किलो वाट का सिस्टम है जो कि हमने पैनल यूज़ किया आप देख सकते हो यहाँ पर चार पैनल है वहाँ पर चार है और चार आप देख सकते हो उधर है दाखा वही साइड का देख सकते हो दोस्तों चार पैनल उधर भी है हमारा तो टोटल हमारा जो पैनल है दोस्तों वो है बारह पैनल है और बारह पैनल मिला के लगभग होती है सिक्स पॉइंट फाइव किलो वाट क्योंकि जो यहाँ की जो ओनर थे उन, उनका जो लोड था उतना ज़्यादा लोड नहीं था दोस्तों तो उसलिए उन्होंने बोला कि मुझे अभी 7.5 पॉइंट किलो वाट का पैनल नहीं चाहिए मुझे अभी सिक्स से लेकर साढ़े सिक्स तक पैनल लगवा दो तो हमने यहाँ पर 6.5 पॉइंट किलो वाट का सोलर पैनल यूज़ किया दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब इन्वर्टर को दिखाते हैं आपको और दोस्तों और एक दोस्तों आप देख सकते हो मैं आप लोगों को पैनल एक बार दिखा देती हूँ फुल जो पैनल है आप देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर चार है वहाँ पर चार है टोटल बारह पैनल इंस्टॉल है यहाँ पर और एक चीज़ जो इसकी जो स्ट्रक्चर की क्वालिटी है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि प्योर जी से बना हुआ है यहाँ पर स्ट्रक्चर और नीचे की तरफ यहाँ पर डी बॉक्स भी है हमारा यहाँ पर जो एम यूज़ की है वो सी फिफ्टीन एमपेयर का एम है दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है और काफ़ी महंगा भी है आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी डी सी डी ए इसका एम सी फोर कनेक्टर जो कि फोर इन वन है जो कि पैनल के जितने भी वायर है वो डायरेक्टली आकर आपकी जो डीबी बॉक्स है इससे कनेक्ट होती है दोस्तों चलिए दोस्तों अब नीचे जाते हैं और देखते हैं इन्वर्टर की फीचर्स के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को शेयर करते हैं आगे हम नीचे अभी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो सिस्टम हमने यूज़ की है वो है सेवन पॉइंट फाइव किलो वट का जो कि यू टी एल कंपनी का है दोस्तों और इसके अंदर जो बैटरी यूज होती है वह आठ बैटरी यूज होती है और ये जो सिस्टम है नाइन्टी सिक्स वोल्ट का सिस्टम है आप देख सकते हो यहाँ पर जो बैटरी हमने यूज़ की है वो आठ बैटरी है टोटल जो कि नाइनटी सिक्स वोल्ट का सिस्टम है दोस्तों और बैटरी की जो ब्रांड है वो है सर्वोटेक कंपनी का बैटरी है सर्वह इसका मॉडल नेम है सोलर ट्यूबलाइट बैटरी दोस्तों और ये जो बैटरी है सिक्सटी मंथ रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आती है और इसकी जो रेटिंग है सी टे रेटिंग है दोस्तों आपको ख्याल रखना है ध्यान में रखना है कि बैटरी सोलर सिस्टम पर जब परचेस करें आप लोग तो सी टेन रेडिंग का ही बैटरी ऑवेज परचेस करें क्योंकि सी टेन रेडिंग का जो बैटरी होती है उसकी चार्जिंग करंट ज़्यादा होती है दोस्तों चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही ज़्यादा होती है तो आप इजीली इसको चार्ज कर सकते हो दोस्तों फास्टली अब बात करते हैं इन्वर्टर की इन्वर्टर की जो डिस्प्ले है आप देख सकते हो जो कि यू कंपनी का इन्वर्टर है दोस्तों सेवन पॉइंट का यू का सोलर इन्वर्टर जिसका मॉडल नेम है अल्फा प्लस सोलर पी जो कि काफ़ी एक बेहतर इन्वर्टर है दोस्तों और इसके अंदर सब कुछ फीचर्स रहता है दोस्तों इसके अंदर आप डाटा को स्टोर करके भी रख सकते हो वन मंथ तक आप देख सकते हो इसकी जो डिस्प्ले है फोर लाइन डिस्प्ले है दोस्तों इसके अंदर सब कुछ स्टेटस मिलता है आपको देखने में कितना लोड चल रहा है कितना सोलर से आपको जनरेशन मिल रहा है बैटरी को कितना चार्ज कर रही है कितनी वाट लोड चल रहा है दोस्तों ग्रिड वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज टोटल फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाएगा और इसके पैरामीटर जो है उसको आप चेंज भी कर सकते हो दोस्तों साइड पर कुछ बटन है जिसकी मदद से आप इसकी पैरामीटर को चेंज भी कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट साइड पर कुछ इंडिकेशन लाइट है जैसे कि सिस्टम ऑन होने पर एक लाइट ग्लो करेगा इन्वर्टर ऑन रहने पर एक लाइट ग्लो करेगा जो कि अभी फिलहाल इन्वर्टर ऑन है दोस्तों एस पर चार्ज हो रही है इसलिए एक लाइट भी ग्लो कर रही है जिसका मतलब एस अभी हमारा रनिंग है दोस्तों और नीचे की तरफ कुछ फॉल्ट इंडिकेशन है अगर मान लीजिए इन्वर्टर कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा लाइट इंडिकेशन होगा और यहाँ पर कुछ बटन है जिसकी मदद से आप इस इन्वर्टर की पैरामीटर को चेंज भी कर सकते हो और ये जो ब्लैक कलर का जो बटन है दोस्तों यही सिस्टम ऑन ऑफ का बटन है अगर मान लीजिए इसे अगर कोई ऑफ कर देता तो क्या होगा आपकी जो इन्वर्टर है इसकी बैकअप ऑफ हो जाएगा दोस्तों और अगर आपको वापस ऑन करना है तो उस बटन को फिर से आप अगर ऑन करोगे तो इन्वर्टर जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा दोस्तों काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है दोस्तों और चलिए दोस्तों अब इसकी बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो पीछे की तरफ इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिया गया है जो कि यहाँ पर साफ लिखा भी है जो कि अल्फ़ा प्लस सोलर पी सी दोस्तों और उसके नीचे है सेवन पॉइंट फाइव के वी इन्वर्टर या फिर आप सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वी ए भी बोल सकते हो दोस्तों और उसके नीचे इसकी डी सी वोल्टेज रेंज भी लिखा है जो कि नाइन्टी सिक्स वोल्ट का डीसी वोल्टेज है दोस्तों और उसके नीचे है इसकी सोलर एस पी भी वोल्टेज रेंज जो कि एक सौ चालीस से लेकर चार सौ वोल्ट तक और उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर एक बाईपास स्विच है दोस्तों जिसकी मदद से आप चाहो तो अगर मान लीजिए आपकी अगर इन्वर्टर पर कोई इशू आती है तो आप इस रोटरी स्विच को घुमा के आप बाईपास कर सकते हो लोड को और आपकी जो लोड है उसे इजीली चला सकते हो दोस्तों बाईपास करके और यहाँ पर एक बटन है तो आप जब भी बैटरी को कनेक्ट करोगे उस टाइम क्या करना है दोस्तों इस स्विच को चार पाँच बार प्रेस करना है आपको ईज़िली उसके बाद आपको बैटरी का एम को ऊपर उठाना है तब आपकी जो इन्वर्टर है रनिंग कंडीशन पर आ जाएगा और पहले एक प्रोटेंशल एम सी बी है जो कि आप देख सकते हो सोलर पैनल के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है दोस्तों उसकी साइड पर है बैटरी कनेक्टर जो कि हेवी कनेक्टर है दोस्तों आप क्या करना है आपकी जो बैटरी का जो सीरीज कनेक्शन है नाइन्टी सिक्स वोल्ट का उसको यहाँ पर कनेक्ट करना है और उसके बाद घर की जो ग्रेड की कनेक्शन है उसे इनपुट करना है जो कि न्यूट्रल पहले है उसके बाद लाइन है देन उसके बाद आउटपुट सॉकेट है दोस्तों वहाँ पर भी सेम न्यूट्रल और लाइन आउटपुट है दोस्तों और दोस्तों यहाँ पर जो पैनल की सपोर्टेड की अगर बात की जाए तो ये है सेवन पॉइंट फाइव का इन्वर्टर है इसके ऊपर आप 7.5 पॉइंट किलो वाट का ही सोलर पैनल लगा सकते हो दोस्तों 6000 हज़ार वाट तक आप इसके ऊपर लोड दे सकते हो मतलब कि घर की एसी पंखा कूलर गीज़र सब कुछ चलेगा दोस्तों और इस इन्वर्टर की जो प्राइस है वो है नब्बे हज़ार इसका दाम है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा